हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काउंटर बेसिन। काउंटर बेसिन कैसे लगाए जाते हैं काउंटर पे? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ये काउंटर में दो होल है, एक पिलर को के लिए, एक वेस्ट पाइप के लिए। वेस्ट जाली लगाएंगे जिसमें हम, और हमारा रह गया ये नीचे दिख रहे हैं आप पॉइंट, जो आप टंकी से हमारा कनेक्शन आया हुआ है, एक होल बीच में है जिसमें स्टॉप कॉक लगाया हुआ है। और दोस्तों, इसमें हम काउंटर बेसिन लगाएंगे, और ये हमारा रहा काउंटर बेसिन जो अभी इसमें हम सेट करेंगे काउंटर पे। और दोस्तों, ये रहा एंगल कोक वेस्ट जाली। तो पहला तो हम दोस्तों काउंटर पे हम लगाएंगे पिलर कोक, जो हमारे पिलर कोक के लिए होल बना कर रखा हुआ था उसमें हम लगाएंगे। जैसे लगा रहे हैं हम, ये लगाए हमने, तो इसके लिए हमें नीचे से इसका चकनेट लगाना पड़ेगा दोस्तों, टाइट करना है। इसमें चकनेट जो आती है हमें उस चकनेट लगाना है, और चकनेट लगाने से पहले हमें इससे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है दोस्तों, लगाते वक्त कि थोड़ा सा भी हिले ना, इधर आड़ा टेढ़ा ना हो, और इसको फुल अच्छी तरीके से टाइट करें। इसके लिए हमें रिंच लगाना पड़ेगा, सलाह रिंच आती है, उससे हमें टाइट करनी होगी। तो ध्यान रखें दोस्तों, इतने टाइट रखें कि ज़्यादा हिले नहीं या डुले नहीं, ठीक है? ये फुल अच्छी तरीके से टाइट करना है हमें इसे। तो टाइट हो गया हमारा, जिसके कारण, और हमारा दोस्तों ये जो एंगल कोक का जो थ्रेड है वो हमारा छोटा हो गया। इसमें क्या है कि हमें कनेक्शन पाइप लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, और कनेक्शन पाइप अच्छी तरीके से टाइट नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने इसमें एक सीपी निपल आते हैं 1.5 इंची का, वो हमने लगाया इसमें लगाया, जिसमें जिससे हमें क्या है कि कनेक्शन पाइप लगाने में दिक्कत ना हो और फुल थ्रेड से लग जाए आसानी से। तो इसे लगाने के लिए हम एलेंकी का प्रयोग कर रहे हैं, और एलेंकी 12 mm के लगती है इसमें एलेंकी। तो एलेंकी से आप अच्छी तरह से टाइट कर लिया करें, और हमने जैसे जैसे हमने किया है इसे टाइट, ताकि हमें इसमें कनेक्शन पाइप लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटा थ्रेड होने के कारण कनेक्शन पाइप लूज हो जाता है, जिससे क्या पानी लीकेज करने लगता है, और हम ये बार बार परेशानी होती रहती है। तो चलो ठीक है, तो दोस्तों हमारे ये सीपी निपल जो है टाइट हो चुकी है, और हमें इसे हिला के भी देख लेना है, हिल तो नहीं रही है हमारी पिलर को। तो अब हम इसमें कनेक्शन पाइप लगा रहे हैं, तो जिसमें हमें सीपी निपल में लगाना है, और इसको भी अच्छी तरीके से फुल थ्रेड। इसमें एक वाशर होती है, किसी में वाशर आती है, किसी में नहीं आती कनेक्शन पाइप में। तो हम इसे अच्छी तरह से, इसमें वाशर लगी हुई थी, इसमें हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लिए, फिर पानी चालू करने के बाद हमें इससे दिक्कत ना हो जाए, पानी लीकेज करने का प्रॉब्लम ना आए। और जो नीचे देख रहे हैं होल, एक प्लग मारा हुआ है हमें, जो टंकी से हमारा कनेक्शन आया हुआ है उसमें प्लग मारा हुआ है, तो इसे हमें खोल लेना है। खोलने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एंगल कोक लगाएंगे। ये रहा हमारा एंगल कोक, और इससे पहले हम इसमें एक फ्लेंच डालेंगे, सीपी फ्लेंच 1/2 इंची का, और इसमें टेपनोल टेप लगाएंगे। तो दोस्तों, इसमें टेपनोल टेप अच्छी तरीके से मात्रे से मारा जाए, कि जब हम इसे ब्रास एल्बो में लगाएं तो लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम अच्छे तरीके से इसे टेपनोल टेप लगा के, और जो प्लग है उसको खोलने के बाद हम इसमें लगाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि देख सकते हो, अपने हमने प्लग खोल के पानी बहा दिया, और इसमें एंगल कोक जो है लगा रहे हैं हम लोग। एंगल कोक भी लगाते वक्त आप अच्छी तरीके से इसे भी टाइट कर लिया करें, और टेपनोल टेप देने के लिए ना छोड़े। इसमें टेपनोल टेप भी अनिवार्य है कि इसमें पूरा अच्छी तरीके से दें। टेपनोल टेप लगाने के बाद हम इसमें क्या किए हैं, एंगल कोक अब इसमें ब्रास एल्बो में जो है, ब्रास एल्बो चाहे ब्रास सॉकेट जो भी लगा हो इसमें लगा के टाइट कर दें अच्छी तरीके, फुल से फुल टाइट करें दोस्तों, कि ढील थोड़ा लूज भी ना रहना चाहिए, कि क्या है कि अगर नीचे से हमें ऑन ऑफ करना हो तो ये इधर उधर हिले नहीं। और ये हो गया हमारा टाइट पूरा। तो इसमें हम कनेक्शन पाइप का दूसरा जो भाग है इसको हम इसमें लगा देंगे, इसे भी अच्छी तरीके से टाइट कर दें ताकि लीकेज पानी ना हो। और ये हमारा हो गया है हमारा टाइट। कुछ
अच्छी तरह से गंदा हो चुके थे हमारे पाइप, तो हमने साफ़ कर दिया। और ये हमारा रहे बेसिन, बेसिन को अब हम इस तरह से, ये हमारा जो फ्लैट बेसिन है काउंटर का, इसे हम उठा के कुछ इस तरह से उठा के हमने इसको काउंटर पे रखा हुआ है इसको। और काउंटर पे रखने से पहले दोस्त जो होल जो हमारा वेस्ट का है उसे अच्छी तरीके से मिला लें, ताकि हमारे वेस्ट जो इसमें लगाना होगा वो अच्छे से लग जाए। तो हमने जैसे आपको ये देखे, आप जैसे आपने देखा कि हमने कैसे इसको अच्छी तरीके से बैठाया और नल भी सीधा करके रखा इसको। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, वेस्ट जाली लगाएंगे, जिसको वेस्ट कपलिंग भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वेस्ट जाली बोलते हैं। और ये हो गया सेट, आपको सीधा सेंटर में ला के लगाया हमने। और दूसरी बात दोस्तों, इसको ऊपर लगाने के बाद नीचे से हमें वाशर और इसका नट लगा के टाइट कर देना है, कुछ इस प्रकार का टाइट करना है। ये वाशर हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, ताकि नीचे से नट लगाए ऊपर में वाशर रहे, और जब भी हम इसको टाइट करें तो वो वाशर के थ्रू से पकड़ ले ज़ोर से, ताकि हिले ना आए। और इसके चलते हमें इसके दोस्तों ये हमें पाइप रिंच का प्रयोग करना है, और ज़्यादा भी ज़ोर से नहीं टाइट करना है, इसे धीरे धीरे आराम से टाइट करना है। चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ थोड़ा बॉक्स बज रही है रोड पे, तो उसकी आवाज़ भी आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, ये हमारा टाइट हो गया पूरा वेस्ट कपलिंग। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है दोस्तों, कि ऊपर में देख लेना है कहीं तो गैप तो छुटा हुआ नहीं है। इसके चलते हमने उसमें कच्चा कोटिंग दिया हुआ है, और आड़ा टेढ़ा भी देख लेना है दोस्तों कि सीधा है कि नहीं है। ये हमने मेजरमेंट वाल से लगाया है कि दोनों कॉर्नर में सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको भी देखना है। आड़ा टेढ़ा कहीं दिखा नहीं, क्या कि कोई भी आए तो देखिए तो बोले नहीं कि टेढ़ा लगा हुआ है या तिरछा लगा हुआ है, इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों, हमने को ये काउंटर बेसिन जो फुल अभी तैयार नहीं हुई थी, हमें जल्दी करना था काम इसके लिए, तो कारपेंटर बोला कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए, हम इसका विंडो बाद में लगा देंगे। और नेक्स्ट हमारे दोस्तों ये वेस्ट पाइप जो है हमने लगा रहे हैं, जिससे हमारा बेसिंग का पानी जो वेस्ट होगा वो निकलेगा इस पाइप के थ्रू। और नीचे हमारा जाली लगा हुआ है, जाली का पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ये पाइप उसमें चला जाएगा। तो हमने टाइट कर दिया पूरा, आपको ये देख लिए, और कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल रहता है हमारा पाइप, ये वेस्ट पाइप। तो हमने डाल दिया उसमें आपका वेस्ट पाइप को। अब नीचे का जो कुछ पानी, हम फिर इसको चेक करके देखेंगे, नीचे एंगल खोल खोल के अब हम पानी चेक करेंगे, पानी कैसे आ रहा है। ठीक आ रहा है, तो वो पानी जो गिर रही है वो हमारे देखिए नीचे डायरेक्ट जाली पे गिर रही है, और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नीचे भी देख लेंगे कहीं लीकेज तो प्रॉब्लम नहीं ना है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। तो थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए पूरा। तो दोस्त सबको, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएँ।